राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो आज हम बात करेंगे ब्लड के इन्फेक्शन और यूरिन इन्फेक्शन दोनों के बारे में, जो इन दिनों में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। फैलने का एक तो कारण गर्मी है। गर्मी कैसे है मैं आपको बताती हूँ। गर्मी में यदि हमारा खान पान सही नहीं रहे और शरीर की गर्मी बढ़ जाए, लीवर की गर्मी बढ़ जाए, तो उससे खुजली हो जाती है, खुश्की वाली, किसी को पस वाली, तो बहुत ज़्यादा शरीर पर खारिश आती है। तो जब खारिश आती है तो हम ये तो चीज़ समझ नहीं पाते कि खारिश क्यों हुई है। शरीर की गर्मी और खुजली जो लीवर की वजह से हुई है, हम इसका उपचार करने की बजाय खुजली की दवाई लेने को दौड़ते हैं। और जो हम एलोपैथिक की दवाइयाँ लेते हैं वो जैसे कि खुजली को दबाने की कोशिश करती है, वैसे ही आपको बताया कि जो भी हम एलोपैथिक दवाइयाँ लेंगे अपना रोग को ठीक करने की बजाय दूसरे रोगों को न्योता देगी। तो होता क्या है, खुजली तो ठीक हुई या ना हुई, दबी, शरीर में गर्मी और बढ़ी, जिससे क्या दिक्कत होती है, बवासीर तक की दिक्कत हो जाती है, यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, पस आना, खून आना, नकसीर छूटना और ब्लड में इन्फेक्शन होना। तो अब नई तीन समस्या खड़ी हो गई, इनके लिए भागो फिर इनकी दवाइयाँ, तो शरीर इतना कमजोर हो जाता है कुछ खाने का मन नहीं करता, समझ नहीं आ पाता क्या रोग हुआ, किसका उपचार करें, कैसे ठीक करें। ऐसे इन लगभग 1.5 महीने में मेरी जो सामने केसेस आए हैं, 8 से 10 केस आ गए, सब में सिमिलर चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या उपचार कर सकते हैं, तो सबसे पहला, गर्मी ज़्यादा है, अपने खान पान का ध्यान रखें, तला फला ना खाएं, खाना भी आप हल्का खाएं, दही, छाछ, दूध, नींबू पानी, गन्ने का रस, गोंद का तीला, इन सब चीज़ों का ज़्यादा सेवन करें। दूसरा, यदि समस्या हो गई है तो लीवर को डिटॉक्स करें, गन्ने आपने लौकी का जूस पिया पुदीना डाल के, थोड़ा दिन अगर कर सकें तो आप अनाज बंद करके यदि फ्रूट और ये लिक्विड लेते हैं तो इससे अपने आप डिटॉक्स होता है। नहीं बंद कर पा रहे हैं तो अनाज को मैंने आपको बताया 6 घंटे तक भिगो के फिर इस्तेमाल करें तो ये दिक्कत ना हो। अगर हो गई है तो उसके लिए आप जैसे सुबह एक तो नीम का रस, नीम के पत्तों का रस 8 से 15 पत्ते आप ले सकते हैं, 15 दिन तक रस ले सकते हैं। कच्चे चबा के कोई खा सकता है तो बहुत अच्छा, नहीं उसको रगड़ के उसका रस निकाल के आप वो रस पिएं। एक आप दोनों टाइम गिलोय आप स्टार्ट कर दें तो इसका एक चमत्कारी लाभ मिलेगा। अभी एक इधर जैतसर साइड का कोई केस था तो उसमें बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट हुआ, 100% उनको रिजल्ट मिला। वैसे तो सभी केसेस में फायदा हुआ है, ठीक हुए हैं, लेकिन उनका आज कॉल आया, वो बहुत खुश थे, तो आपके साथ शेयर करना चाहा भी इन दिनों यदि ये समस्या बढ़ रही है तो इसका क्या उपचार कर सकते हैं। तो कच्ची गिलोय लीजिए आप, कितनी लें, 15 से 20-30 सेंटीमीटर लंबी लें, उसको कूटें पानी में अच्छे से, उसको मसल के छान के पानी पिए, दिन में एक बार पिए चाहे दोनों बार पिए, कोई गर्म नहीं करेगी बिना उबाले, रूम टेम्परेचर के पानी में पिए, फ्रिज का पानी ना पिए, मटके का पानी पिए, छोटी छोटी सी चीजें हैं, अपना ध्यान रखें। तो इससे ब्लड प्योरीफाई भी होगा, इन्फेक्शन भी सही होगा, नकसीर में भी आराम मिलेगा, सभी चीजों के लिए, ब्लड के इन्फेक्शन से लेके यूरिन इन्फेक्शन तक ठीक होगा। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह खाली पेट दही के अंदर शक्कर मिला के, 1 कटोरी दही में 1-1.5 चम्मच शक्कर मिला के उसको चम्मच से हल्का सा फेंट ले, फिर उसको बिल्कुल आराम से 1-1 चम्मच करके खाएं, तो आप देखेंगे दही के जो कीटाणु हैं हमारे शरीर में, जो इन्फेक्शन के कीटाणु हैं, उन्हें खा जाते हैं और बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया पैदा करते हैं शरीर के अंदर, जो बहुत ज़्यादा फायदा करते हैं, तो आप ये आजमा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, आजमाएं, और खारिश के लिए तो मैंने एक अलग वीडियो रखी ही है, आप वो अपनाएं। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, कई बार बाहर जैसे ये सारी चीज़ें इकट्ठी होने पे इंसान बिल्कुल परेशान हो जाता और कोई उपचार नहीं नजर आता, तो बिल्कुल छोटा सा उपचार है लेकिन इसका रिजल्ट 100% है। यदि किसी को ये समस्या है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके बहुत ही कम खर्चे में आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
ताकि घर बैठे लोगों को कम से कम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके, नुकसान 0% हो। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, साथ बने रहें। थैंक यू।